प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आज हम रहीम के दोहों पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपके पाठ में अनेक कालखंडों की रचनाएं हैं और उन रचनाओं की अलग अलग विशेषताएं हैं। आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को संक्षेप में देखा होगा और यह पाया होगा कि मुख्य रूप से चार खंडों में इसे विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रहीम का जो काल था वह मुख्य रूप से भक्तिकाल और रीतिकाल के मध्य का काल था। इसीलिए आपने पहले भक्तिकाल की रचनाएं पढ़ी होंगी, सूर, तुलसी, कबीर आदि की रचनाएं पढ़ी होंगी और यह देखा होगा कि उसमें ईश्वर की भक्ति का दर्शन होता है, साथ ही मनुष्य के जो दैनिक जीवन है उसकी उलझनें भी उसमें दिखाई देती हैं और उनसे छुटकारा पाने का एक उपाय भी रचना कर्म में दिखाई देता है। रहीम के कविताओं में भी भक्ति, नीति और श्रृंगार का सुंदर समन्वय हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि वो भक्तिकाल और रीतिकाल के मिलन बिंदु पर दिखाई देते हैं, इसीलिए दोनों कालों का मुख्य जो तत्व है वो इनके रचना कर्म में दिखाई देता है। वे विशेष रूप से अपने नीतिपरक दोहों के लिए विख्यात हैं। रहीम को जो लोक व्यवहार है उसका बहुत अच्छा ज्ञान था और इसीलिए उनके दोहों में कहावतों और लोकोक्तियों का सुंदर रूप दिखाई देगा। इसीलिए रहीम का जो काव्य है वह बहुत ही लोकप्रिय है और उसमें विभिन्न छंद विधानों को भी देखा जा सकता है, जैसे आपके पाठ में दोहा, सोरठा, बरवय आदि का वर्णन दिखाई देगा। इस पाठ को पढ़ने का कुछ उद्देश्य है, कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य है और उन लक्ष्यों को आप देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य इसमें यह है कि निर्धारित जो दोहे हैं उनका आप भाव स्पष्ट कर सकेंगे। अगर आपने ठीक से इसको समझ लिया है तो उनमें निहित भावों को अपने शब्दों में वर्णित कर सकेंगे। दूसरा उद्देश्य कवि की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसका भी आप उल्लेख कर सकेंगे। तीसरा है उसमें प्रयुक्त जो अंतर कथाएं हैं उनका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। उसके अलावा जो भाव और शिल्प सौंदर्य है उसका विश्लेषण कर सकेंगे और अंत में रहीम की जो रचना शैली है उस पर भी टिप्पणी कर सकेंगे। तो इन विशेषताओं को समेटते हुए इस पाठ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा कि रहीम का जो समय था वह सन 1557 का समय था जन्म का, और उनका मुख्य नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे एक रचनाकार के अलावा एक सैनिक भी थे और कई युद्धों में उन्होंने भाग लिया था और उनका रचनाक्रम बड़ा ही विस्तृत था। उन्होंने जिन रचनाओं की सृष्टि की उनकी रचनावली आप देख सकते हैं, कई उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं के कुछ हिस्से को, कुछ दोहे, कुछ सोरठा और बरवय को यहाँ पे रखा है जिसमें आप उनके रचना कर्म की एक झलक देख सकते हैं। तो मैं एक एक दोहा या सोरठा आपके समक्ष प्रस्तुत करता जाऊँगा और उसमें निहित अर्थों को बताऊँगा। जो रहीम ओ छो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। यहाँ रहीमदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अचानक पद या धन की प्राप्ति हो जाती है वह बहुत ही अभिमानी हो जाता है, घमंड से चूर हो जाता है और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे शतरंज के खेल का एक उदाहरण देते हैं कि प्यादे सौ फर्जी भयो। शतरंज में जो प्यादा होता है वह एक एक घर
करके आगे बढ़ता है और उसमें जो वजीर होता है वह वजीर टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी चल सकता है, लेकिन जब प्यादा अंतिम स्थान पे पहुंचता है तो वह भी टेढ़े मेढ़े रास्ते चल सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्यादा भी फिर फर्जी की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका कुल मिलाकर अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति अचानक धन संपत्ति या पद पा लेता है वह अपने नियंत्रण में नहीं रहता, वह दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है और वह घमंड से भर जाता है। तो एक तरह से नीति सिखाना चाह रहे हैं रहीमदास, और वो कहते हैं कि ऐसा उचित नहीं है और शतरंज के खेल के माध्यम से दृष्टांत देकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। दूसरा दोहा देखें, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। यहाँ भी एक उदाहरण दिया उन्होंने कि रहीम कहते हैं कि जो दीपक की गति होती है वही गति एक कपूत संतान की होती है, दोनों की तुलना की है। दीपक, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बिजली की व्यवस्था हो गई है, अन्यथा गांवों में आज भी अंधेरा जहां पे रहता है वहां दीपक जलाया जाता है, और दीपक को जलाने के बाद चारों तरफ उजियाला फैल जाता है और रात में उस दीपक को बुझा दिया जाता है। लेकिन उसे कहा जाता है कि दीपक को जला दिया गया और दीपक को बढ़ा दिया गया, उसे ये नहीं कहा जाता कि दीपक बुझा दिया गया, यह एक संस्कार है। उसी तरह से जो कपूत संतान होते हैं, कपूत अर्थात जो आज्ञाकारी नहीं होते हैं, जो संस्कारी नहीं होते हैं, उनकी स्थिति भी दीपक के समान होती है। वे भी जब बचपन में होते हैं तो बहुत प्रसन्नता देते हैं माँ पिता को, लेकिन जो जो बड़े होते हैं और उनके गलत संस्कार सबके सामने आने लगते हैं तो वे घर में एक संकट के रूप में सामने आते हैं, इसीलिए दीपक से उसकी तुलना की है। तीसरा दोहा देखते हैं, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करेई, जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देई। अर्थात रहीम कहते हैं कि आँखों से जो आंसू है वह अगर गिर जाता है तो वह हमारे दुख को प्रकट करता है। जब तक आँखों के अंदर आंसू रहते हैं तब तक दुख का पता नहीं लगता है। जाहि निकारो गेहते कसन भेद कही देई। इन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसा कि आपने रामायण में पढ़ा होगा कि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाल दिया था, और जब घर से निकाल दिया तो उसने अपने भाई का सारा भेद बता दिया श्री रामचंद्र जी को। यहाँ भी उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं कि आँखों से जब आंसू बाहर आ जाते हैं तो वे हमारे दुख को प्रकट करते हैं। उसी तरह से जब अपना कोई बहुत ही प्रिय, अपना सगा संबंधी, अगर उसे हम घर से बाहर निकाल देंगे, उसको सम्मान नहीं देंगे, तो वो भी हमारे भेद को प्रकट कर देगा। चौथा दोहा है, यह रहीम निज संग लय, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होए। यहाँ भी एक नीति की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रहीम निज संग ले जन्मत जगत न कोए। रहीमदास जी कहते हैं कि जन्म लेते ही ये जो नीचे दी गई सारी चीज़ें हैं उसका पता नहीं लगता है। उनमें क्या क्या शामिल है? बैर मतलब किसी से दुश्मनी, प्रीति अर्थात प्रेम, अभ्यास मतलब निरंतर प्रयास, जस मतलब यश। ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि धीरे धीरे होते होते ही होती हैं।
यह जन्म के साथ नहीं होती हैं। जैसे आप देखें, किसी से जो दुश्मनी होती है वो एक दिन में नहीं होती है। किसी बात को लेकर बहुत समय तक विवाद होता है, तब जाकर वैर होता है। उसी तरह से प्रेम भी है। किसी से प्रेम एक दो दिन में नहीं होता, प्रेम की पूरी प्रक्रिया होती है। जब बहुत दिनों तक किसी के साथ हमारी प्रीति, हमारा लगाव होता है, तब प्रेम होता है। अभ्यास के साथ भी यही लागू है। आप बार बार अभ्यास करेंगे तो किसी काम में दक्षता हासिल करेंगे, और यश प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयत्न की ज़रूरत होती है, बहुत समय होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा समय तक आप अच्छे काम करेंगे तब आपको यश की प्राप्ति होगी। पांचवा दोहा है, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार, रहिमन फिर फिरि पोहिए, टूटे मुक्ताहार। यहाँ भी एक संदेश देते हैं रहीमदास। वो कहते हैं कि अपने टूटे हुए जो स्वजन हैं, स्वजन मतलब अपने लोग हैं, उनको सौ बार नाराज होने पर भी मनाना चाहिए। अर्थात आपके सगे संबंधी, आपके जो निकटतम लोग हैं, उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। वो अगर नाराज़ भी होते हैं तब भी आपका यह कर्तव्य है कि आप जाकर उनको मनाइए। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वो उदाहरण देते हैं, रहिमन फिर फिर पोहिए, टूटे मुक्ताहार। वो कहते हैं कि टूटे हुए माले को बार बार पोहना चाहिए, बार बार उसकी माला बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर माला टूट जाए तो उसको छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि आपका कर्तव्य है कि उस माला का निर्माण पुनः करें। तभी आप सगे संबंधी को हमेशा मनाते रहें तो आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आप ज़्यादा अच्छा सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन जी सकते हैं। अगला दोहा है, काज परय कछु और है, काज सरय कछु और, रहिमन भावर के भये, नदी सिरावत मौर। यहाँ एक सामान्य जीवन का उदाहरण लेकर एक बड़ी बात कहने की कोशिश की गई है। काज परे कछु और है, काज सरय कछु और, अर्थात किसी का काम पड़ने पर उसका व्यवहार कुछ और होता है, और काम निकल जाने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। इसको सिद्ध करने के लिए वे आम अंचल या ग्राम जीवन के उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। वहाँ शादी के समय जो दूल्हा होता है वो मौर धारण करता है। विवाह के समय उस मौर का बहुत महत्व होता है, जब सात फेरे लिए जाते हैं। लेकिन जब विवाह समाप्त हो जाता है तो अगले दिन उस मौर को ले जाकर नदी में बहा दिया जाता है, अर्थात उसका महत्व ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह का व्यवहार आम जीवन में भी देखने को मिलता है कि जब किसी का आपसे काम है तो वह बहुत ही चाटुकारिता करेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, लेकिन एक बार काम हो गया तो शायद दर्शन भी नहीं देगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को, जो जीवन के अनुभव हैं, उसको किस तरह से सामान्य जीवन के अनुभवों से जोड़कर रचनाकार प्रस्तुत करता है। अगला दोहा देखते हैं, वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग, बाटन वारे के लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। यहाँ भी देखिए रहीम क्या कहते हैं कि वह व्यक्ति धन्य है जो दूसरों का उपकार करने के लिए हमेशा तत्पर होता है, दूसरों का कल्याण करने के लिए तत्पर होता है। उसका उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं कि बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। जो मेहंदी लगाने वाला है उसको मेहंदी अपने आप लग जाती है, मेहंदी का रंग उसके हाथों में अपने आप लग जाता है। उसी तरह से जो परोपकार करता है उसका उपकार अपने आप हो जाता है। तो इस तरह का जो उदाहरण है आप देखेंगे कि कितना सटीक, सार्थक और प्रासंगिक है। अगला आप देखेंगे एक सोरठा है, रहिमन मोहिन सुहाए, अमी पियावे मान बिनु,
बरु विश्व देत बुलाए मान सहित मरिबो भलो। यहाँ भी बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया है, रहमन मोहिन सुहाए। रहीम कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता अमी पियावे मान बिनु, अगर कोई सम्मान नहीं दे और अमृत हमें पिलाने के लिए आए तो मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। बरुबिस दे या बुलाए मान सहित मरिबो भलो। अगर कोई विष देता है लेकिन प्रेम के साथ देता है, पूरे सम्मान के साथ देता है, तो उसका विष पीकर मरना हमें कबूल है, बशर्ते कि बिना सम्मान दिए कोई हमें अमृत पिलाए। यहाँ शिक्षार्थियों आप देखेंगे कि हमारे जीवन में आत्मसम्मान का कितना महत्व है। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा होता है। अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपको सम्मान नहीं मिलता तो आप बहुत ही क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। उन्हीं बातों को यहाँ सोरठा के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर कोई विष भी देता है और सम्मान देता है तो मरना भी ज़्यादा अच्छा है सम्मान नहीं मिलने से। अगला एक बरवह है, बाहिर लेके दी अवा बारन जाए सासु ननद ठिग पहुँचत देत बुझाए। यहाँ भी लोक जीवन का एक दृश्य रचनाकार प्रस्तुत करना चाहता है। इस दृश्य को शायद आप थोड़ा नहीं समझ पाए क्योंकि इस तरह का दृश्य शहरों में नहीं देखने को मिलता है। यहाँ दृश्य यह है कि जो एक स्त्री है, एक नायिका है, उसका पति काम पर गया हुआ है और दिन भर वह पति का इंतज़ार करती है, लेकिन जब अंधेरा हो जाता है तो वो घर में दिया जलाकर और दरवाजे तक जाना चाहती है यह देखने के लिए कि हमारे पति शायद आ रहे हों। यह प्रेम का एक दिव्य रूप है। यहाँ जो नारी है वह प्रिय के प्रेम में आबद्ध है, वह प्रिय के प्रेम में दिन भर इंतज़ार करती है और शाम होते होते जो सब्र का बांध है वह टूट जाता है और वह दिया जलाकर बाहर दरवाजे तक जाती है, लेकिन दरवाजे के पास सास और ननद बैठी हुई हैं, इसलिए वहाँ पहुँचने के पहले ही दिए को बुझा देती है क्योंकि उसे लगता है कि सास और ननद उन पर ताना मारेंगी और उन्हें कुछ व्यंग्य करेंगी, इससे बढ़िया है कि वह इंतज़ार कर ले। तो यहाँ एक लोक जीवन का एक दृश्य प्रस्तुत किया गया है और प्रेम का जो एक बहुत ही शुद्ध रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। अगला बरवह है, लेके सुघर खुरुपिया पिए के साथ छाइबे एक छतरिया बरखत पात। लेके सुघर खुरुपिया, यह भी एक लोक जीवन का दृश्य है कि एक कामकाजी स्त्री जो है वह अपने प्रिय के साथ, अपने पति के साथ काम पर जाना चाहती है और कहती है कि वह खुरपी लेकर, खुरपी एक छोटा सा यंत्र होता है जो खेतों में काम करने के लिए होता है, तो वो जो मजदूरनी है वह अच्छी सी खुरपी लेकर अपने प्रिय के साथ जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पति पत्नी साथ साथ काम करते हैं। आज भी यह दृश्य गांवों में मिल जाता है। उसकी इच्छा क्या है कि छैबे एक छतरिया बरखत पात, अर्थात वह घर का जो एक छत है वह बनाना चाहती है अपने पति के साथ मिलकर क्योंकि बारिश हो रही है, पूरे रास्ते में चारों तरफ बारिश हो रही है, इसलिए वह एक घर का जो छज्जा है वह बनाना चाहती है। तो इस तरह का एक छोटा सा दृश्य प्रस्तुत किया है। तो शिक्षार्थियों, यहाँ आपने देखा कि दोहा, सोरठा और बरवे के माध्यम से रहीम ने यह बताने की कोशिश की है कि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, जीवन के मूल्य कैसे होने चाहिए, जीवन दर्शन कैसा होना चाहिए। तरह तरह से अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वे आम जीवन से, लोक जीवन से उदाहरण देते हैं
और अपनी बात को पुष्ट करते हैं। तो इस तरह से आपने कविता के भाव को समझा। अगर इसके शिल्प को देखें तो इसमें जैसा कि आपने अभी छंद को देखा, तीन तरह के छंद हैं इसमें, दोहा, सोरठा और बरवह। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11 और 13 मात्राएं होती हैं, और बरवह में 12-7 का एक विधान किया जाता है। अलंकारों में आप देखेंगे कि दृष्टांत अलंकार है, जगह जगह अनुप्रास आपको दिखाई देंगे जहाँ शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो इस तरह से विभिन्न तरह की यहाँ पे जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो आपको दिखने के मिलेंगी। अंत में शिक्षार्थियों, एक बार हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात कि रहीम को लोक संस्कृति और लोक व्यवहार तथा शास्त्रों का बड़ा ही अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने इस ज्ञान को सामान्य भाषा में बड़ी सहजता के साथ अपनी कविता में प्रस्तुत किया है। वे साधारण मनुष्य के दैनिक जीवन से उदाहरण लेते हैं और नीति की गूढ़ बातों को आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है, उनका अवलोकन जो है, वो बहुत ही सूक्ष्म है। शास्त्र ज्ञान उनमें चारों तरफ दिखाई देगा आपको, और सहज अभिव्यक्ति उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। हालांकि रहीम ने फारसी और संस्कृत में भी काव्य की रचनाएं की तथा अरबी और तुर्की भाषा में भी अनुवाद किया है, पर उनकी मुख्य भाषा ब्रज और अवधी रही है, और इसमें उन्होंने जनता के बीच अधिक से अधिक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, और तुलसी के बाद रहीम का ब्रजभाषा और अवधी के कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आपने रहीम की कविता में दोहा, सोरठा और बरवह छंदों का आनंद लिया, और जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग ये छंद विधान हैं जिसका यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। जब किसी बात को समझाने के लिए अपने आसपास के क्रियाकलापों और लोक प्रचलित कथाओं का सहारा लिया जाता है या पौराणिक प्रसंगों का उदाहरण लिया जाता है तो उसे ही हम दृष्टांत कहते हैं। तो यहाँ पे भी दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने कविता का या दोहों का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनमें मध्यकाल का पूरा चित्र उभर कर आया है, और भक्तिकाल और रीतिकाल का समन्वय दिखाई देता है। भक्ति, श्रृंगार और नीति के दोहे इसमें समाहित किए गए हैं, और इन सभी दोहों में बहुत ही मार्मिक संदर्भ प्रस्तुत किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि आपने इन दोहों को अच्छी तरह समझ लिया होगा, और बार बार आप पुनरावृत्ति करें तो आप इसमें सिद्धस्थ होंगे और प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकेंगे। धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं
NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से पढ़े, हम कहीं पढ़े बे विषय के।